So the third gold medal coming from weightlifting, and I have the gold medalist with me, Achinto Sheoli from Bengal. Achinto, you're also an army man. Jeremy, also an army man today, winning two gold medals. It's a big, big moment. पर हमें बताइए कि ये जो मोमेंट आया, ये आपके लिए आसान नहीं था. मलेशियन आपको बहुत टफ फाइट दे रहे थे. मैम, आसान तो नहीं था, मैंने आसान कर दिया क्योंकि मैंने सेकेंड लिफ्ट गिरा दिया. इसके वजह से उन्होंने टफ फाइट दे रहा था. मुझे भी पता था कि मैं अगर करता तो कोई ऐसे पकड़ना मुश्किल नहीं था, मतलब नहीं था उनके लिए. अच्छा, जब आप सेकेंड लिफ्ट आपने गिरा दिया, अंदर गए, तो विजय सर आपको कुछ कुछ कह रहे थे और आप बहुत गौर से उनको सुन रहे थे. क्या कह रहे थे आपको? मुझे समझ आ रहा था कि हमने बहुत वर्क किया है, उसको मुझे इजी करके दिखा, उससे बेटर करके दिखा. जितना वर्क भी किया है ना, उससे बेटर करके दिखा, मुझे समझ आ रहा था. तो मैंने कोशिश किया, जो मैंने उधर में फॉल्ट किया कर रहा था, वो मुझे समझा कि हमने ये फॉल्ट किस लिए किया. तो अभी मैंने उसको सही करके दिखा, मुझे चैलेंज दिया कभी कर क्या करने का. ये जो मेडल आया आज, ये आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई? मुझे हर तरफ से, मतलब स्टेट से भी और मेरा सेंटर से भी, आर्मी से और मेरे टॉप्स का, उन लोगों में बहुत हेल्प मिला है मुझे उधर से. सभी पता चला मेरा जो स्पॉन्सरशिप है, उन लोग भी मुझे बहुत हेल्प किया है. उन लोग का बाकी उन लोग हेल्प करता रहेगा. अजिन, तो एक वक्त था जब मम्मी ने टेलरिंग करके आपका घर चलाया और आपने भी साथ में शायद मम्मी को टेलरिंग में हेल्प किया. उन दिनों के बारे में हमें बताइए कि कितनी मुश्किल थी. मैम, अभी तो मम्मी वो काम मैंने छुड़वा दिया, बहुत दिन हो गया. लेकिन उसमें क्या होता है कि मिट्टी में, मिट्टी के ऊपर बैठ के, इस लेवल में होता था वो, मतलब छोटा नीचे लेवल में, तो उधर में बैठ के दो दो, मतलब मम्मी तो करता था सुबह से लेकर रात तक, कितना घंटा हो जाता बैठे 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 बैठे. और आप भी टेलरिंग करते? मैं भी करता था, कमर का तो पूरा हालत हो जाता था. दो दो घंटा लगे रहना पड़ता था सुबह शाम. तो ये मेडल क्या मम्मी को डेडिकेट करेंगे? किसको देंगे आप ये मेडल? मेरा भैया को. क्यों? भैया को और सब लोग को, क्योंकि भैया ने मुझे हमेशा सपोर्ट करता रहा है. वो हर चीज़ में समझा, कोई भी चीज़ में समझाता रहता था. और वो सब तो है ही पीछे, जो मुझे भगाता रहता था आगे जानने के लिए. अचिन, तो आप के जो रूममेट संकेत, उनका पहले मेडल आ गया था, उनका मेडल आने के बाद आप पर कुछ प्रेशर हुआ? हाँ, प्रेशर तो हुआ है मैम, क्योंकि उसका बॉडी भी टेंशन खत्म हो गया. रूम में आके खाता रहता है, मुझे स्मेल भी आता था बहुत दिक्कत. और आप नहीं खा पाए पिछले 24 घंटे? हाँ जी, तो वो भी मतलब थोड़ा इंजुरी है हुआ है, तो उसका दुखी है. बाकी तो उसका मेडल आ गया था उससे. आप बेहद खुश होंगे उसके मेडल से. और टीम में कैसा माहौल है? हाँ जी मैम, टीम में तो बहुत, मतलब दीदी का मेडल आ गया फर्स्ट गोल्ड, फिर चेन्नी का आ गया, फिर मेरा आ गया. हमने जो जो सोच किया है तो प्लान चल रहा सही सही. वन लास्ट क्वेश्चन, जब घर जाएंगे मम्मी को क्या बनाने के लिए बोलेंगे? क्या खाना है कि भालो लागे खेते? मम्मी तो वैसे पूछता है कि क्या खाना, मम्मी भी ऐसा सोचती है कि अच्छा अच्छा खिलाओ. तो मुझे तो ऐसा चीज़ में इधर सर जगह तो मैं अच्छा खाता रहता हूँ, मुझे ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है अच्छा खाने में. मैं तो बोलूँगा नारियल का राइस होता है उसको खाने के लिए बोलूँगा. चलिए, आप घर जाइए, मज़ा करिए एंड प्रिपेयर वेल फॉर द ओलंपिक्स, बिकॉज यू आर अ वेरी बिग प्रॉस्पेक्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस.